पापड़ मेकिंग मशीन है, ये जो आटा होता है ये कौन कौन सी चीजें इसके अंदर डाली जाती है वो सारी चीजें हम आपको बता देंगे। इस आटे को हमें इसके अंदर डालना होता है, डालने के बाद में इसके अंदर जो तैयार मसाला आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं हमें इसके अंदर डालना होता है। यहाँ से हमारा जो ये पट्टा बनकर के तैयार होता है जो कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से, अभी मैं डाल करके आपको लोगों को दिखा देता हूँ इस तरीके जो है कि हमारा पट्टा बनकर के तैयार होगा। ये आप देख पा रहे हैं ये जो पट्टा है, इस पट्टे को हम आगे नेक्स्ट वाले प्रोसेस के अंदर डालने वाले हैं, आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक पापड़ है जो बनकर के तैयार होता है। बहुत ही इजी प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ डालने की जरूरत नहीं। उड़द का आटा इसके अंदर लगता है, काली मिर्च लगती है, नमक लगता है, थोड़ा सा ऑयल लगता है एंड जो पापड़ का कुछ मसाला होता है वो लगता है। ठीक है, अभी हमारा पट्टा बनकर के तैयार हो गया है, अभी हमें इस पट्टे को इसके अंदर डालना होता है। ये जो दूसरी मशीन है, ये जो दो रोल आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं इसके बीच में हमें इसको डालना होता है। अभी हम मशीन को स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पे इसकी स्पीड होती है कम बत्ती, आप स्पीड को कर सकते हैं, ऑन ऑफ का बटन है, अभी हम इसे ऑन करने वाले हैं। ऑन करिए सर, ये हमने स्पीड बढ़ा दी, हमें थोड़ा जल्दी प्रोसेस करना है। तो यहाँ से देखिए अभी आपके सामने पापड़ निकल करके आने वाला है, ये आप देख पाए। अब इसकी स्पीड को कितना भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इसमें एक लिमिट होती है। अगर आपको जल्दी कोई काम करना है तो आप जल्दी कर सकते हैं और आप एक घंटे के अंदर 1000 से 1200 पीसेस झटके में बना सकते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि पापड़ एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल हर जगह पर किया जाता है, ऑल ओवर इंडिया, कोई बंदा कहीं का भी रहने वाला हर जगह इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। जो कि आप लोग इसके अंदर देख पा रहे हो जो वेस्टेज होता है वो हमारा निकल करके यहाँ पर आ जाता है, इस बॉक्स के अंदर आ जाता है। आप इसका रीयूज कर सकते हैं, दोबारा से मशीन में डालेंगे तो दोबारा से तैयार हो जाएगा। अभी आप देख पा रहे होंगे कितनी प्रीमियम क्वालिटी का पापड़ बन करके तैयार हो गया है। आप इसकी फिनिशिंग भी देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये पापड़ हमारे सामने बन करके तैयार हो रहा है, देख पा रहे हैं। अब आप इस पापड़ को इस तरीके से पैकेजिंग कर सकते हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देख पा रहे हैं इस तरीके से आप इसकी पैकेजिंग कर सकते हैं और मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं, लाखों रुपये आप इस बिजनेस से कमा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।